सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शाम्भवी देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा
सर्वविद्या लक्ष कन्या लक्षयध्या विनाशने अपर्णाने गवर्णाच प्रातलाभातलाभते पट्टाम्बरपरिधान कलमञ्जीरञ्जने अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरेश्वरसन्धने वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरे चन्द्रे कौमारे वैष्णवे तथा चामुण्डा चैव वालाये लक्ष्मी च वर्षा कृतेः विमलाकर्षणे ज्ञानक्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशम्भहनने महिषासुरमर्धने मधुकेतवहन्ते च चण्डमुण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमये सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारे चैव कन्या च केशवरे युवते यतेः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालाराद्रमुखे कालरात्रे सवश्वने नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरे शिवधूते कराले च अनन्ताभरणेश्वरे कात्यायने जलामित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिने ज्ञायदं नमथे नित्यं दुर्गा नाम सदाशकम् नासाध्यं विद्यते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वते धनं धानं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा चन्द्रलभेन्मुक्तिं च शाश्वतीम् कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयद्वर्या भक्त्या पठे नाम सदाशकम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैः सुरभरे लले राजानो दासयन्ति राजश्रमुयात् गोरोचनालक्तकरुन्दमेन सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्षयन्त्रं विधिना विधिज्ञ भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्यानुशामग्रे चन्द्रे सदृशाङ्गते विलक्ष्य प्रभटे स्तोत्रं सर्ववे च पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्तिभाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान है। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। जो स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है
सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती ही वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही दीर्घायु को प्राप्त होते ही उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गना सप्तमातरबीजम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेरुवाच ॐ यद्वयं परमलोके सर्वरक्षाकरणाम् यन्न कस्याचिदाघातं तन्मे मनोहि पितामहः। ब्रह्मवाच अस्ति भूयतमं विप्र सर्वभूतापकारकम् दिव्याशोकवचं पुण्यं दशनश्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमार्तेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमम् नवमं शुद्धिरात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानश्च शत्रुमध्ये गतारणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गताः। नादेशं जायते किञ्चित् अशुभवर्णसङ्करे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। येषु भक्ता स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां संवृन्द देवेशे रक्षचेतान्न संशयः। प्रेतसंस्थात चामुण्डा वाराये महिषासन इन्द्रकरसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरे वृषारूढा कौमारेषु गिवाहन लक्ष्मीः पद्मासना देवे पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपाधरा देवे ईश्वरे वृषवाहन ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नित्ये दामातरः सर्वः सर्वयोगा च मङ्गिलाः नानाभरणशोभाद्या नानारत्नापशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोधा समाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमलं चामुसलायुधम् केटकं गमरं चैव परशुं पाशमेव च त्वन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्त्यशो महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिने त्राहि मां देवि दुष्टश शत्रुनामयवर्धिने प्राच्या रक्षतु मामेन्द्रे याज्ञयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैरित्याखर्गधारिणे प्रतिचामारुणि रक्ष वायव्यामिगवाहिनि उदिचामरु कौमारि ऐशान्याशूलधारिणि
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तदा एवं रचिशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे चाकृता पात विजया पात पृष्ठतः हरिता वाम पार्श्वे च दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतिने रक्ष उमामूर्ते व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुव रक्ष दशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रे अर्धारवाचने कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले तु शाङ्कने नासिकायां सुगन्धा च रत्रहस्य च चर्का अधरे च मृदकला यभायां च सरस्वने गन्धा रक्षतु कोमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी सुखं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला रेवायां भद्रकाले च पृष्ठवंश धनर्धने नीलग्रेवा वहे कण्ठे नलिकां नलकोभरे स्कन्ध्याः खड्गणे रक्ष बाहो मे वज्रधारणे हस्त्योर्दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेश च नखाशोलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे स्वनो रक्ष महादेवे मनः शोकविनाशने हृदय ललिता देवे उदरे शोलधारिणे नाभ च कामिने रक्ष गुह्यं महेश्वरे तथा भूतना कामिका मेधं गुले महिषवाहिने कर्त्यां भगवते रक्ष जानने विन्ध्यवासिने जङ्गे महामला रक्ष सर्वकामं प्रदायिने बुल्भया नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसे पादाङ्गुलेषु से रक्ष पादादस्थलवासिने नखान्दस्ताकराले च केशाशवर्ध्वकेशने रोमकोपेषु कौबेरे त्वजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामासान्यस्य मेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकटेश्वरे पद्मावधि पद्मकोशे नभे चूडामणि तथा ज्वालामुखेन खज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिश शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां शक्तेश्वरे तथा अहङ्कारो मनो मध्यं रक्ष मे धर्मधारिणे प्राणापाण तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनि सत्त्वं रजस्तमस्यैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु भाराये धर्मं रक्षतु वैश्वे जलः केतिं च लक्षेत धन विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुं मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मे भार्यां रक्षत भैरवे पन्थानाशवता रक्ष मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मे विजया सर्वथा स्थिता रक्षाहीनं द्वयस्थानं वर्जितं कवचलम् तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने परमे कर्ण गच्छतु जलेच्छमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छते तत्र तत्रार्थलाभस्य विजया सार्वकामिकः यं यं चिन्तये कामं तं तं प्राप्नोति निश्चलम् परमेश्वरमतलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष फलाजिलः त्रैलोक्ये सुलभे पूज्यः कवचेनामितः पुमान् इदं तु देव्यः कवचं देवानामविधुर्लभम् यः पठेत नित्यं त्रिसन्ध्यां सध्यान्वितः देवी कला भवे तस्य त्रैलोक्येष पराजितः नीलर्वशतं सग्रम् अपमृत्यो विभर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रियं चापि यद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः च कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा
अंतरिक्ष महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्मराक्षस वेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ते दर्शनां तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानो नतिर्भवेत् राज्यश्चेत् वृद्धे करं वरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशते चण्डे कृत्वा तु कवचं कुरा यावद् भूमण्डलं धत्र सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मेदिन्यं सञ्चले पुत्रपोत्रके देहं देवर्मं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति परशो नित्यमहामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेना समुदते अथ अर्गलास्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्भावीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेरुवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभा धात्रे स्वाहा सुरा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डा जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मधुकैटवविद्रावे विधात्रे वर्धे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजावते देवि चण्डमण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्य वनिशुम्भस्य धूम्रस्य मध्ये रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि वन्दिताङ्घ्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि अतीन्द्ररूपचरित सर्वशत्रु विनाशिने रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुभद्रा भक्तिपर्वन्तान् चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि चण्डिके सर्वसंयुक्तम् अर्चयन्ति हे भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमसुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि दुष्टानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमांशयम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिग्लिष्टचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदत्तधर्मग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुज चतुर्वक्र सच्चते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवि शशभक्त्या शरामिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचलचतुरानाथ संस्तुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवे प्रचण्ड दण्ड दत्त दर्प विनाशने
रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा देहि देवी भक्त जनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशा देहि दिशा देहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं चारिणीं दुर्गसञ्चार सागरस्य कुलोद्भवम् स्तोत्रं पठित्वा तु मा स्तोत्रं पठन् नरः स च सप्तशति सङ्ख्यापरमाप्नोति सम्पदा अथ कीलक अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेरुवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्वाप्रातिर्निमिताय नमः सोमाध्यधारिणे सर्वते तद्वियानीय मन्त्राणामभिकीलकम् स्वपेक्षा मम वाप्नोति सततं याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाचनान्दिनि वस्तूनि सकलानि मे एतेन श्रोतां देवे श्रोत्रमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रोनौषधं तत्र न किञ्चित् विभिद्यते विना जापेन सिद्ध्यत सर्वमच्छादनादिकम् समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मलः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् श्रोत्रमे चण्डिकायासु तच्च गुप्तं चकारतः समाप्तेन शुण्णस्य कार्यसावण्यन्त्रणाम् स्वभिक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णाया वाच सरस्य अष्टव्या वाचमाहितः ददाति वरगह्णाति नान्यदेशा प्रसीदते इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलिनम् व्योणिष्कीलाभिधायेन नित्यं जगति संस्फुटम् सासिद्धः सगरास्वपि गन्धर्वो जायते नरः न च वाप्यस्य भयं कापि अजायते नापमृत्यवशर्याति मृतमोक्षमवाप्नुयात् यात्रा प्रारभ्य कुर्वेत नल्वमानो विनश्यते सौभाग्याद्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते भुदेः सौभाग्यादिकिञ्चित् दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन याप्यमिदं शुभं शनेषु याप्यमानेषु स्वत्र सम्मतिरक्षकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यायप्रसादेन सौभाग्याराज्ञसम्पदः शत्रुहानि परामोक्षः स्तूयते स न किं जनैः श्रीमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् अयि गिरिनन्दिनि नन्दिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वाचिनि विश्वविनाशिनि सुनुते भगवति यशति कण्ठकटुम्बिनि भोरि कटुम्बिनि भोरि कृते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलचुते सुरवरवर्षिणि दुर्दर्शिनि दुर्मुखमर्षणि हर्षरते विमोहनुमोचनि शङ्करदर्शिनि गर्विमोचनि गोचरते धनुजनिराशिनि दिनराशिनि धर्मदजोषिनि सिन्धुसुते जय जय हे वैशासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलचुते हय जगदं प्रमदं प्रकरं प्रवणप्रियवाचिनि आचरते शिखरि शिरामरि चुन्दरिमालय सिंहजालय मध्यगते मधुमधुर मधुकैटव गञ्जनि कैटव वञ्जनि आचरते जय जय हे वैशासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलचुते ण्डविकण्डितरण्डवितुण्डितचण्डकजाधिपते विदुदण्डविधारणचण्डपराक्रमचुण्डवि
निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र शते समर विशोषित चाण समेत समस्तम चाण तदे दलते शिव शिव अम्बर शंभव अवतर वित भूत पिता शरते जय जय हे महिषासुर मर्दन रक्षवर्धन शैल सुते रणु रणु शंकर रक्षण शंख परेश्वर शंकर प्रकट के Thank you.
लास्ट पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अरणे मया दासोऽयमिति नामत्व क्षमस्व परमेश्वरि आवानं न जानामि जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णस्तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदं वेति चरेत् यां गतिन्द्रमवाप्नोति न तां ब्रह्मद्वयासुरा सापराधस्मे जन तस्यां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्याहं यथेच्छसि त्वदासुरो अज्ञानाभिर्नगर्भाज्या यणालिकां कृतां सत्सर्वं क्षम्यतां देवे प्रसीद परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे निरानन्दमिमाप्रीत्य प्रसीद परमेश्वरे सिद्धिर्भवतु मे देवे सत्प्रसादः सुरेश्वरी।
सचिया ज्योत वाले माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोरथ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे धर्मारे की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हर भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। साधक जन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जग जन ने जगत माता के दरबार में आकर की भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते ही अपने कल्याण के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवत का श्रवण करते ही माँ की स्तुति करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। कभी जब भगवती माँ वैष्णवी जब प्रसन्न होती हैं तो जगत का वध होता है, जगत का कल्याण होता ही। इस सब ओर से सुख देती हैं, शांति देती हैं, कल्याण करती हैं, अवध को देती हैं, उन्नति देती हैं, सर्वत्र भक्तों का मंगल मंगल करती हैं। और उसके भाव में जब जकुवित हो जाती है, रुष्ट हो जाती हैं, तो न जाने कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। इसलिए भक्तजन माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से यही करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रपन्नार्थी हरि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगत कलश प्रसिद्ध विश्व शिपाही विश्व तमेश्वरी देवी चिराचरस्य। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर आप प्रसन्न होइए। हे देवी संपूर्ण जगत की माता, आप प्रसन्न होइए। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी आप ही चराचर जगत के अधीश्वरी हो। हे माँ आप सदा सर्वदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम भक्तों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर ही हम सबका कल्याण है। हे माँ हम तेरे दरबार में आए हैं, तेरे चरण में बैठे हैं। हे शरणागत की रक्षा करने वाली माँ भगवती, हम भक्तों की आप रक्षा करें, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान करें। हे भगवती माँ इस प्रकार से हम पर आप कृपा करें कि ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसा हमें वरदान दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वास्तव में इस देवी की जिन पर कृपा हो जाती है उनके जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन जो भी मन में संकल्प करते हैं भगवती कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनकी वह समस्त मनोवलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है और उनके जीवन उनके घर गृहस्थ में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। वह उत्तर अवधि को प्राप्त होते ही, उन्नति को प्राप्त होते हैं और संसार में उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है और परिवार में
कभी कोई क्लेश कोई कलनी होती ही वहां पर परस्पर जो है परिवार का मैत्री भाव जो बना रहता है और इस तरह से उस घर में माँ की विशेष कृपा होती ही, क्योंकि ऐसे घरों में जो भगवती जब प्रसन्न होती ही तो लक्ष्मी भी विराजमान होकर के जी सब ओर से उन्नति देती ही, सुख शांति सुख समृद्धि देती। बोलो सच्चे द्रवर की जय। कहते हैं कि स्वराज मनमंत्र में सुरथ नाम के राजा हो गए। राजा बड़े धर्मशील राजा थे, प्रजापालक राजा थे। उसके राज्य काल में प्रजा पूर्ण सुखी थी, एक क्षत्र उनका राज्य था। इस प्रकार से राज्य में आनंद आनंद था। कहते हैं कि एक बार कोलवदंशी नाम के क्षत्रिय थे जिनके साथ उनकी शत्रुता हो गई। यद्यपि वह संख्या में बहुत कम थे तो भी जो है जब उनके साथ उसका युद्ध हुआ तो युद्ध में वह हार गए। कोलवदंशी क्षत्रिय जो है वे कौन थे? दक्षिण भारत में कोलापुर नाम की एक नगरी है जो कभी राजधानी हुआ करती थी, उसका जो है जिन क्षत्रु ने विध्वंस किया था वह कोलवदंशी क्षत्रिय कहलाए। ऐसे क्षत्रिय जो थे जिनके जो है राजसूर्त के साथ शत्रुता हुई और उनके साथ जब युद्ध हुआ तो युद्ध में राजसूर्त जो थे पराजित हुए, क्योंकि उसी के मंत्री जो थे वह शत्रु पक्ष से मिल चुके थे जिस कारण से उसकी पराजय हुई। अब केवल मात्र अपने राज्य के राजा होकर के वह रहने लगा। तब जो है उन शत्रु ने जब वहां भी आक्रमण कर दिया तो राजा ने देखा कि मेरी पराजय निश्चित है। तब जो है वह रात्रि को घोड़े पर सवार हुए, बिना किसी को बतलाए जो है अकेले ही अपने राज्य से बाहर निकल गए। कहते कि राज्य से चलते चलते वह बहुत दूर जो है एक जंगल में चले गए। बल में जब पहुंचे तो वहां पर एक मेधा ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम जो है बहुत सारे ऋषि मुनि उसके शिष्य जो है वहां पर साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, माँ भगवत की आराधना करते हैं। तो ऐसा आश्रम था कि जहां पर हिंसक जीव भी जो है दैवी परस्पर शांति से रहते थे, अर्थात वहां किसी प्रकार कला को क्लेश नहीं था, कोई दुख नहीं था। वहां पहुंचते उसको बड़ी आत्म सुख जो था वह मिला, आत्म शांति मिली। क्योंकि जिस स्थान पर जो है भगवान की आराधना होती, देवी की आराधना होती, पाठ होते हैं, वह स्थान जो है एक तीर्थ तुल्य हो जाता है। जहां पर जाने से जो है मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, आत्म शांति मिलती है और साधु जो है कल्याण को प्राप्त होता है। वहां पहुंचने पर राजा के मन में इच्छा हुई कि यदि यशवंत महाराज मुझे आज्ञा दे दें तो मैं यहीं पर जो है निवास करूं, यहीं रहूं। राजा जो है वही ऋषि के पास गए, प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि मेरे ऋषि मैं जहां पर रहूं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब रह सकते हैं। आश्रम में रहने लगे, बड़ी शांति मिलती थी। वहां प्रतिदिन जो है माँ की आराधना होती थी, जप होते थे, पाठ होते थे, हवन होता था। तो सभी संत महात्मा अपने अपने जो है इस प्रकार से वह साधना में लगे रहते थे। एक दिन वह एकांत में बैठा हुआ था, मन में विचार आया कि जिस राज्य की मेरे पूर्वजों ने जो है रक्षा की थी, पालन किया, वह राज्य जो है आज मेरे हाथ से चला गया। उस राज्य की मैं रक्षा नहीं कर पाया, मेरे पूर्वजों के द्वारा मेरे द्वारा अत्यंत परिश्रम से एकत्रित किया हुआ खजाना जो है अब तो शत्रु के अधीन है, अब उनके अधिकार में है। वह मंत्री जो है वो सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, मेरे साथ साथ चलते थे। अब वह मंत्री जो है अब उन शत्रुओं के साथ रहते होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करते होंगे। यह अनेक प्रकार की बातें जो है उसके मन में आने लगी कि यह राज्य जो है जिस राज्य का जो मेरे पूर्वजों ने पालन किया, मैंने भी किया, परंतु मैं ठीक प्रकार से इस राज्य की रक्षा नहीं कर पाया। यह राज्य मेरे हाथ से चला गया, बड़ा दुखी हो गया। अब जो है बाहर बैठे हुए एकांत में विचार कर रहे हैं, इतने में सामने से एक वेश्या आया जिसका नाम समाधि था। वह वेश जो है वह भी उसी की ओर जब आया तो उसने पूछा, भाई आप कौन हो?
और इस जंगल में किस लिए आए हो? बड़े अनमन से दिखलाई दे रहे, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, आपके दुख का कारण क्या है? तो उस भेष ने कहा, महाराज मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वेश्य हूं, मेरा नाम समाधि है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, धन है, परिवार है, स्त्री है, सब कुछ है और मैं धनवान हूं, तो भी मेरे पुत्रों ने, मेरे स्त्री ने, मेरी स्त्री ने, मेरे भाई बंधुओं ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया, मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं बड़ा दुखी हूं और दुखी होकर के वन में चलाया हूं और जा करके मैं इसलिए परेशान हूं, मेरे पुत्रों की, मेरी स्त्री की, मेरे भाई बंधुओं की सब कुशल है कि नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? राजा कहते हैं कि देखो, जिस परिवार ने आपको सबको छीन करके आपको घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपको इतना स्नेह क्यों है, ये मोह क्यों है? तब जो है वैश्य कहला, महाराज आप जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक है, परंतु मुझे समझ नहीं आ रही कि जबकि उनके हृदय में मेरे प्रति कोई स्नेह है नहीं, जिनने मुझे निकाल दिया है, मेरा त्याग कर दिया है, मेरा धन भी छीन लिया, फिर मुझसे वे स्नेह क्यों करेंगे? फिर भी मुझे जो मोह जो हुआ है, जे क्या है, जानना पिना जाना थी, पश्चिम अपने पश्चिम, जानते हुए अनजानना हो गया हूं, ज्ञानी हूं, पढ़ा लिखा हूं, परंतु यही जे परिवार के प्रति मोह, धन के प्रति मोह, कितने परिश्रम से मैंने धन अर्जित किया, घर मकान बनाया, परिवार सब कुछ, और आज उसी परिवार ने मुझे घर से ही निकाल दिया, बड़ा दुख हुआ। इधर राजा जो है, राज्य से निकल चुके हैं, उसका राज्य जा चुके हैं और इसके परिवार ने निकाल दिया है, आप दोनों दुखी हैं। आप दुखी दुखी जो परस्पर मिले तो परस्पर मित्रता होगी, राजा भी दुखी, जे भी दुखी हैं, एक दूसरे का अपना दुख सुनाते हैं। तब जो है राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ऋषि के पास चलते हैं, मुझे भी जहां बैठे बैठे राज्य के प्रति इतना मोह हो रहा है, ये सब क्या है मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब मुझे वो मिलने वाला नहीं है, और आपको परिवार ने कहला है और परिवार को आपके प्रति कोई स्नेह नहीं है कि आपको लेने के लिए आ जाएंगे, जहां पर चलिए सब कुछ छीन लिया है, अब जो है हो सकता कोई उपाय हो, हम ऋषि के पास चलते हैं, ये जो हमें मोह हुआ है और मोह के कारण जो हमें दुख हो रहा है, हम कष्ट में विपत्ति में हैं, ये दुख जो हो रहे हैं, ना नींद आती है, ना कोई चैन है, ना कोई शांति है, कैसे हमारा दुख जो है दूर हो सकता है, हम ऋषि के पास चलते हैं, कोई उपाय होगा। तो कहते कि दोनों राजा और वैश्य जो है वह मेधा ऋषि के पास चले गए, जाकर के उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, ऋषि ने उनको आसन दिए, वह सामने बैठ गए। तब उन्होंने जो है राजा ने कहा, महाराज हम दोनों जो हैं बड़े दुखी हैं, और राजा अपने हृदय की बात बतला रहे हैं ऋषि को कि मेरा राज्य चला गया, मैं राजा हूं, राज्य चला गया, राज्य शत्रु के अधीन है और मैं बड़ा दुखी हूं, मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से जो है इस प्रकार से वहां परिश्रम कर कर खजाना इकट्ठा किया, राज्य जो है भली प्रकार उसकी उसकी सुरक्षा की थी, और जो है आज वह राज्य मेरे हाथ से चला गया है, मैं दुखी हूं, और फिर उस राज्य के प्रति मैं जानता हूं कि अब राज्य मेरा नहीं है, शत्रु ने उसको जीत लिए हैं, अब तो शत्रु का ही मुझे नहीं प्राप्त हो सकता, तो भी उसके प्रति जो मुझे मोह हुआ है ये सब क्या है? इधर जो वैश्य है, इसके परिवार ने घर से निकाल दिया है, सारा धन इसका छीन लिया, पुत्रों ने, पत्नी ने, जो है भाई बंधु ने जो इसका परित्याग कर दिया है, तो इसको परिवार के प्रति ये मोह जो हो रहा है, हम दोनों बड़े दुखी हैं, क्या हमारा कोई ऐसा कोई उपाय है जिसके करने से हमारा जो मोह नष्ट हो सकता है, हमारा जो दुख दूर हो सकता है? तब जो है ऋषि ने कहा, राजन शांत होकर के सुनो, जिस सारे जगत जो है माँ भगवती आदि शक्ति के द्वारा मोहित किया गया है, सब जीव जो है मोह में पड़े हुए हैं, एक आप ही नहीं, जो सामने देखो ये पक्षी जो है, ये पक्षी देखो अपने, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके कोई स्वार्थ नहीं है,
मनुष्य को तो स्वार्थ होता है, उसका परिवार बच्चे होंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, परंतु इनको कोई स्वार्थ नहीं, तो भी कितने चाव से जाते हैं, उड़ते हैं और अन्न का दाना लेकर के खुद नहीं खाते, बच्चे को खिलाते। सबको मोह है, सब जीव जो है जो मोह के गहरे गर्त में गिरा दे हैं, वो देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वह भगवती आदि शक्ति जो है ज्ञानी नम चेतन से देवी भगवती सा भला दया कृषि मोहाय महामाया प्रजस्यति। उस भगवती महामाया के द्वारा बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, संत महात्मा, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए ऐसे लोग जो है वह भी मोह में पड़ जाते और संकट में आ जाते हैं। सबको मोह है, इसलिए ये मोह से यदि बचना है तो एकमात्र उस महाभगवती आदि शक्ति की शरणागति, उसके शरणागत हो जाए, उससे प्रार्थना करे तो उसकी कृपा हो जाए, तो वह सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दे, वैराग्य उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से बुद्धि ठीक प्रकार से निर्णय करने लग पड़े, मुझे करना क्या है, मेरे लिए उचित क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कब तक यहाँ पर रहूंगा, क्योंकि जो जहां पर आया है इस मृत्यु लोक में उसको जाना भी है, आया किस लिए है, बस सब भूल जाता है। इस माया में पड़ा हुआ है, परिवार में जो है, परिवार के मोह में, धन संपत्ति के मोह में, बस ये कर लो उसके बाद ऐसा हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये करते करते जो है संसार में ऐसा फंसता है, परंतु सुख उसको मिलता नहीं, सुख है कहाँ, जहां सुख है उस तरफ देखता ही नहीं, कभी सोचता नहीं इस संसार में आया हूं, जिस परिवार में मेरा संयोग हुआ है क्या मेरी इच्छा से हुआ है, मुझे जो संयोग जो है, जो मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य देह जो मिली है, मिली किस लिए, इसका संयोग मैंने कैसे करना है। इसलिए ये तो विचार करता नहीं और लगा रहता है संसार में, यही बना लो यही बना लो, और सबका सब यही रहता है, आज दिन तक किसी के साथ कुछ गया ही नहीं। यदि कुछ गया है, यही धर्म कर्म है, ये जब सत्कर्म करते हैं, जब पुण्य कर्म करते हैं, जो मेला है, जो भगवती की ही माया है, इस मेले में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मेला वैसा का वैसा है, उसमें कमी आती नहीं, और मिल रहे हैं बिछड़ रहे हैं, क्योंकि ये शरीर जो है नाशवान है, आत्मा अजर है अमर है। जो आत्मा शरीर का त्याग करती है दूसरे शरीर में जाती है, कौन सा शरीर प्राप्त होगा, वह होगा आपकी कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म किए होंगे। जब जीव बड़ा दुखी हो जाते हैं, देव कृपा करते हैं, माँ की कृपा होती है, तो मनुष्य देव मिलते हैं और देव कहते हैं अच्छा कर्म करना, धर्म कर्म करना, तो अपना कल्याण कर लेना, इसमें भगवान का कोई भगवती का कोई स्वार्थ नहीं है। जी मनुष्य शरीर दे दिया और इस प्रकार इतना सुंदर शरीर दिया, जो कि आप अन्य जितने भी जीव हैं, मनुष्य को ही कहा है कि मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है। अब जंगल में शेर होता है, शेर को नहीं कहते कि शेर का देह जो है बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य का देह जो है दुर्लभ है। अन्य जितने जीव जंतु हैं, सांप है, उसको कोई नहीं कहता कि सांप का देह जो है ये बड़ा दुर्लभ है। जैसी भोग जोनी है, क्योंकि इसमें जो है अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। मनुष्य देह में आकर जीव की कृपा होती है, जब जीव को वैराग्य होता है कि मैं एक बार मैं मनुष्य देह में आ जाऊं, तो भगवान कृपा कर दें तो मैं धर्म कर्म कर करके अपना कल्याण कर लूंगा, परंतु जो संसार में आता सब भूल जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेधा ऋषि कह रहे हैं उनको समझाते हुए दोनों को, किस प्रकार से आप दोनों जो हैं माँ भगवती की शरणागत हो जाइए, माँ की आराधना कीजिए। कहते कि ऋषि ने उनको मंत्र बतलाया, इस मंत्र का जप करना, जे बीज मंत्र, नवारण मंत्र, परम शक्तिशाली मंत्र ही, और दुर्गा सरस्वती का पाठ करो, माँ की प्रतिमा स्थापित कर करके भगवती की श्रद्धा युक्त होकर आराधना करो। माँ जिस दिन प्रसन्न हो जाएगी तो आपका दोनों का कल्याण हो जाएगा। तो ऋषि कहते हैं कि ताव पे ही महाराज शरणम परमेश्वर आराधिता सेवन रे नाम भोग स्वर्ग अपवर्ग दह। कि राजन आप जो उन्हीं भगवती माँ परमेश्वर की शरण ग्रहण करिए, भी आराधना से जो है प्रसन्न होकर के मनुष्य को जो है भोग देती है, अर्थात संसार में समस्त सुखों को देती है, स्वर्ग देती है और अंत में जो है परमोक्ष को दे देती है। इसलिए आप उसी की शरणागत हो जाइए, वही आपका कल्याण कर सकती है।
तो राज ने सारी विधि विधा बताई और दोनों जो है वह राज और वेश जो है भाई पास ही जो है नदी तट के किनारे चले गए। वहां पर मिट्टी की मूर्ति बना ली, माँ की प्रतिमा मिट्टी की बनाई। अब जो है अब उसको जो है जो उसने उनका स्थान बनाया स्थान पर स्थापित किया, दोनों श्रद्धा युक्त होकर के माँ की आराधना करने लगे। जंगल से कंदमूल फल ले आते वे खा लेते, धीरे धीरे उन्होंने कंदमूल फल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके जल तक त्याग कर दिया। ऐसे चलते चलते साधना करते करते जब 3 वर्ष बीते तो माँ भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि आपका इष्ट आपका देव जो है वह साक्षात आपके सामने आए, पूछे बेटा क्या चाहते हो, ये भक्ति होती है। ऐसी उन्होंने भक्ति की, इस प्रकार से माँ को प्रसन्न किया, माँ को जो साक्षात इन दोनों भक्तों के सामने आना पड़ा। माँ सामने प्रकट हुई, कहती है बेटा क्या चाहते हो, तब जो उन्होंने माँ की स्तुति की और इस प्रकार से माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। और दोनों ने कहते हैं, राजा कहते हैं माँ मेरा राज्य चला गया है, पूर्व ने रक्षा की थी, मुझे राज्य चाहिए और आपकी कृपा से मोक्ष को प्राप्त कर लूं, इस प्रकार से आप कृपा करें, मैं जो है मेरा खोया हुआ राज्य मुझे मिल जाए। माँ ने कहा कि तथास्तु, कुछ समय को प्राण जो आपके मंत्री आपके पास आ जाएंगे और इस प्रकार से आप जो है अपने शत्रु विजय प्राप्त करेंगे और जो है आप राज्य प्राप्त कर लेंगे, अखंड राज्य की प्राप्ति होगी और अंत में आपको परमोक्ष की प्राप्ति होगी। उधर जो वेश जो है उसको माँ की साधना करते करते वैराग्य हो चुका था, उसने कहा जे जो मुझे मोह हुआ है जे मोह से जो मेरा नष्ट हो जाए और मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ, मुक्त हो जाऊं। तब जो है माँ ने उसे ज्ञान का वरदान दिया और ज्ञान के द्वारा वह उसने पर मोक्ष की प्राप्ति की। इस प्रकार से दोनों जो है वह राजा और वेश जो है माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से वह सब प्रकार से कल्याण को प्राप्त हुए। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी भजन की वेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री जयपुर से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना सब मिलकर बोलना, ताली बजाते हो श्री जयपुर। जय कर श्रवल जय बोल सच्चे दरबार की जय। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, हम सब दुनिया की वाली है। गुण गाता है संसार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। गुण गाता है संसार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, हम सब दुनिया की वाली है। अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरण में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ के ऊपर माँ भगवती आप भक्त की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर कर। कोई जगह ना तुझसे खाली है, खाली है
दुनिया
की वाली है। जयकार श्री वाली बोल सच्चे दरबार की जय। तभी मुझे प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी। जयकार शेरा वाली दरबार की जय। ओनू थोड़ी कदी ना आवे ओ जिन्ने मादा लड़ फड़िया ओनू थोड़े कदी ना आवे ओ जिन्ने मादा लड़ फड़िया ओनू थोड़े कदी चरनी लगा उसकी किस्मत करती उसकी किस्मत करती उसकी किस्मत करती वो जो भी इसकी चरनी लगा उसकी किस्मत करती उसकी किस्मत करती उसकी किस्मत करती सुते अपने नसीब जगावे ओ जिन मदा लड़ पड़िया सुते अपने नसीब जगावे जिन मदा लड़ पड़िया ओनू थोड़ कदी ना आवे ओ जिन मदा लड़ पड़िया ओनू थोड़ कदी ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰੰਗ ਨਿਰਾਲੇ ਉਹ ਗੁੰਮ ਨਾਮ ਕਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੀਰਾ ਉਹ ਕਹਾਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਥਰ ਹੀਰਾ ਉਹ ਕਹਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਕੋਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਕੋਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਉਹ ਚੱਲ ਇਸ ਨਿਰਮਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਰਜ ਰਜ ਡੁੱਬੀਆਂ ਲਾ ਲੈ ਉਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲ ਦੁਆ ਲੈ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲ ਦੁਆ ਲੈ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਨੋ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ ਮਾਨੋ ਆਨ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰੀ ਸਵਾ
ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਣੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਕ ਜਗਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਾਕ ਜਗਾਵੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰੀ ਮਾਨ ਬਚਾਨੀ ਮਨ ਆਨ ਬਚਾਨੀ ਮਨ ਆਨ ਬਚਾਨੀ ਮਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਮਈਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਭੂਲੂ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾਸ ਪਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਭੂਲੂ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾਸ ਪਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਭਰੋ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਭੂਲੂ ਅਬ ਨਹੀਂ ਮਾਂ
सत दास पर हरी कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर हरी कृपा करो। दुख आए तो तुम्हें पुकारो, दुख आए तो तुम्हें पुकारो, सुख में भी ना तुम्हें विसारो, सुख में भी ना तुम्हें विसारो। हाँ दुख आए तो तुम्हें पुकारो, दुख आए तो तुम्हें पुकारो, सुख में भी ना तुम्हें विसारो, सुख में भी ना तुम्हें विसारो। प्यारी लगती रहो मुझे तुम, प्यारी लगती रहो मुझे तुम, प्यारी लगती रहो मुझे तुम, प्यारी लगती रहो मुझे तुम। दूजी चाह रहो मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मैं तुमको अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह बालक अकुलावे, ले गोदी झट हृदय लगावे, ले गोदी झट हृदय लगावे। हाँ मामा कह बालक अकुलावे, मामा कह हृदय लगावे, वो दी छट हृदय लगावे। आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता। धीरज काहे धरो मैं तुमको कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। तुम बिन मैया कौन सुनेगा, तुम बिन मैया कौन सुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा। तुम बिन मैया कौन सुनेगा, तुम बिन मैया कौन सुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा, पथ के कांटे कौन चुनेगा। करुणामयी मात भवानी, करुणामयी मात भवानी, करुणामयी मात भवानी, करुणामयी मात भवानी। भव से पार करो मैं तुमको नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। बसी रहो मेरे मन मंदिर में, बसी रहो मेरे मन मंदिर में, बसी रहो मेरे मन मंदिर में, बसी रहो मेरे मन मंदिर में। कभू नहीं करो मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो। मैं तुमको भूलूं अब नहीं मात दास पर ऐसी कृपा करो, 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 दास पर ऐसी कृपा करो। करा मेरे शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। आरोढ़ से भ्रंत जगणे दक्षिणे चक्षुत्र
वामे हस्त दिभ्यां भ्रकणकमयं पुस्तकं जनगम्यं सभेन भदन्ते स्वकर्कजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे क्रीडन्ति दिभिरूपकरकमलधर भारते सुप्रसन्न सचिय ज्योतमहले माता तेरी सदा जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य सुसंवत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु फाल्गुन मास की आज 24 प्रविष्टि ही शुक्ल पक्ष आज द्वितीय तिथि ही शुक्रवार तदनुसार 8 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः कलार्तिक समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीमण कंपा से माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जब भक्तों को आरती की परमवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बढ़ी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परमवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और ये श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भने भवे शर्मान जसवे भवे प्रज्ञा भने भवे भूर भूत करणे धाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भव धैर्य गर्भदलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पूजन सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्त मित्रेनाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्म आरोग्यमाविदात् शुभमानम हियते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करवल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोला ताली बजाते हुए ओम जय मैया नाथ रे मोती
कार्तिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे धन्वंतर की जय। जय प्रेम से भलो, जय माता जी, जय मल भलो, जय माता जी, 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 जय
भाव से दोनों हाथ जोड़ करके मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिल करके बोलना। देहि सौभाग्य मारोग्य, देहि सौभाग्य मारोग्य, देहि में परमं सुखं, देहि में परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दुशो जहि, यशो देहि दुशो जहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः, 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 शान्तिः। अब शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए, मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना दिए आज करे, दिए तुम्हारा शारदा फिर कार्य करो हमें सदैवा, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, जो चरणागा ज्ञान जय मां।
जकारा शेरावाली जी दा होता शेरावाली जी जय। भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में इसी तरह बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। बड़ी ठंडी ठंडी जय आपको सुनाई दे रही है, आपको आपकी जय जोर से ऐसे
पूरी ऐसी आवाज आपकी गूंजनी चाहिए माता रानी जी के पहाड़ों से होते हुए, जगत जननी माता रानी जी से आशीर्वाद लेते हुए हमारे पूरे देश में पूरे ब्रह्मांड में जाए, ताकि हर जगह सुख और शांति हो और जो चीज आप मां से मांगने आए हो इस जय मात्र से ही आपके घर में पहुंचे। कल घर से मांगोगे, आज जहां बैठे हो, इसलिए सबकी हाजिरी पूरी गूंज के साथ बोलो सच्चे ऐसे ही चार्ज होके बैठा कर बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद जय माता दी। आशीर्वाद